आमला को दा आवाज में हो गया एक मिनट का थोड़ा विलंब रहेगा, आवाज की समस्या है कुछ। आपका YouTube बंद कर दिया? समय में मैंने उनके साथ ही काम सीखा और उस समय
सर ने मुझे बताया कि जामा को एज हम चिकित्सा भी यूज कर सकते हैं, अगर हाइपर बच्चा है, ऐसे बच्चे हैं तो उनको हम उस तरह से भी उस पर वर्क किया जा सकता है। ड्रामा हमें इस तरह का भी अपॉर्चुनिटी देती है। मेरा इंटरेस्ट तब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद मैंने खुद भी कुछ नाटकों में काम किया, अभिनय भी किया। कार्टून फोन ऐसा एक नाटक था जिसमें मैंने अभिनय भी किया और खूब काम किया। उसके बाद मैंने बैक स्टेज काम किया, बैक स्टेज में मैंने लाइट अच्छे अच्छे नाटकों में मैंने काम किया। 2011 में मेरे जीवन में एक और नया पड़ाव आया जब मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ जुड़ा और वहाँ मैं अभिषेक भाई से मिला। ड्रामा इन एजुकेशन की एक बहुत ही बृहद समझ मैं समझता हूँ कि अभिषेक गोस्वामी जी के अंदर है। उनके सानिध्य में मैं रहा और मैंने समझा कि ड्रामा को किस तरह से आप शिक्षा में यूज कर सकते हैं, क्लासरूम ड्रामा क्या होता है, आप बच्चों के दूसरे तरह के विकास में किस प्रकार से काम कर सकते हैं। ड्रामा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और जैसा कि NCF 2005 में भी ये बात कही गई कि ड्रामा एक बहुत ही मजबूत टूल होने के बावजूद भी शिक्षा में बहुत ही कम काम लिया जाने वाला एक तकनीक है। खैर, इसके बाद अभिषेक गोस्वामी जी की कई सारी और भी वर्कशॉप में गया, वहाँ पर मैंने सब कुछ सीखा और ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की बदौलत ड्रामा इन एजुकेशन को मैं बहुत विस्तार से समझ पाया और आज मैं आपके सामने यहाँ पर। इस बीच में हमने खूब सारी वर्कशॉप की, खूब सारे नाटक किए, खूब सारी चीज़ें की और 2016 में भी मैंने इसी विषय पर जैन विश्व भारती लाटू से रिसर्च भी की जो हाल ही में मैंने कंप्लीट करी 2019 में और उसमें भी मेरा मूल फोकस जो था वो ड्रामा इन एजुकेशन ही रहा। अब मेरे जीवन में एक और घटना जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये रही कि हम लोग एक नाटक कर रहे थे नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी में क्या हुआ कि ये जो लड़के आपकी प्रिय शीतल, ये नमक का दरोगा थी। अब इस लड़की ने इस कैरेक्टर को किया और हमने नाटक किया, नाटक बहुत अच्छा रहा, तालियां बजी, सब कुछ अच्छा रहा, बात खत्म हुई। कुछ समय बाद हमारे एक केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि मालूम ये बताया कि नमक का दरोगा कहानी में ऐसा क्या है कि बच्चे क्या सीखेंगे और इसमें तो बल्कि में वो जो दरोगा थे वो उनके साथ तो क्या हुआ, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी आखिर का। तो मैंने जो हमारे केमिस्ट्री के साथी थे उनसे कहा कि ठीक है आपकी बात सही है, इस कहानी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा और हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना उस बच्ची को बुलाए और शायद वो आपकी बात का जवाब दे पाए। तो कोचिंग का टाइम था, मैंने शीतल को बुलाया और उसने इसको बुला के कहा मैंने बेटा सर आपको कुछ पूछना चाहते हैं। सर ने अपनी बात रखी और ये कहा कि भाई नमक का दरोगा कहानी में क्या है और दरोगा के साथ तो ऐसा होगा वैसा होगा। बड़ी अच्छी बात हुई, शीतल जिसने कि दरोगा का कैरेक्टर किया था वो क्लास 10th में थी उस समय, उस लड़की की देखिए समझ कैसे डेवलप हुई कैरेक्टर्स को लेके, चरित्रों को लेके। उस बच्ची ने कहा कि ठीक है सर जो आप कह रहे हैं कहानी ऐसी है जो है, बट एज नमक का दरोगा मैं ऐसे सोचती हूँ कि यदि मैंने अपनी ईमानदारी पे अड़ी ना रहती तो फिर बाद में जाके पंडित आरोपी दिन जो थे उन्होंने मुझे ही तो सारी अपनी जायदाद का वो बनाया। तो अब वहाँ मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हुआ, मैंने समझा कि भाई इस लड़की ने ईमानदारी वैल्यूज, आप देखिए कि जो गुड बातें हैं जो ऐसी बातें हैं एक कैरेक्टर के इतने पास जाकर के कोई बच्चा अगर इतना समझ डेवलप कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है। एनीवे ये तो था मेरा बहुत शॉर्ट में परिचय, हम आगे बढ़ेंगे कि
आज का ये टॉपिक जिस पे हम चलेंगे कि बच्चों के संप्रेषण कौशल विकास में बाल रंगमंच की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हम जब बात करेंगे तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। अब यदि हम कम्युनिकेशन क्या है पे जाते हैं तो ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये खुद इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें फिर क्या क्या आ जाएगा कम्युनिकेशन। लेकिन हम इसको फिलहाल बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हम यूँ देखेंगे कि हम बच्चों के लिए संप्रेषण को कैसे देख पाते हैं। यदि हमें अब बच्चों के लिए संप्रेषण क्या है इस बारे में बात करनी है तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो संप्रेषण की जो मूलभूत बातें हैं उनको हम समझें, फिर हम बच्चों के संप्रेषण में जाएंगे। तो संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचाने और उसे समझाने और समझने का मार्ग निर्धारित करती है। मानव सभ्यता के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने का ये मुख्य आधार नहीं है, भविष्य के प्रगतिशील समाज में इसकी महती आवश्यकता है। अब भविष्य के प्रगतिशील समाज की महती आवश्यकता कहते ही हमारे दिमाग में बच्चे आएंगे, भविष्य का समाज क्या है, उसके निर्माता कौन है, उसके निर्माता हमारे बच्चे हैं। बच्चों के संप्रेषण विकास की आवश्यकता ही क्यों है, हम क्यों इस टॉपिक पर इतना डिटेल से जाना चाहते हैं, हम क्यों बच्चों के कम्युनिकेशन पर इतनी बात करना चाहते हैं, हम क्यों ये चाहते हैं कि बच्चों का ये जो कम्युनिकेशन स्किल है इस पर काम किया जाए और इस पर फिर ये ड्रामा किस प्रकार से इफेक्टिव हो सकता है, ड्रामा का रोल क्या होगा, ये सब बातें करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है। आप देखिए आज जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ में यदि आप जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि मूलतः बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है वही कुछ गैप हो गया है। मैं शिक्षा में हूं पर सॉरी टू से मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि एजुकेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे के साथ टीचर का टॉप कितना हो पा रहा है, क्या बच्चे और टीचर के बीच में संवाद हो पा रहा है, क्या बच्चे और बच्चे के बीच में संवाद हो पा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। यदि नहीं हो पा रहा है तो हमें संप्रेषण पे काम करना पड़ेगा, हमें आज इस बात पर बात करनी ही होगी कि ड्रामा कराया जाए और इससे हम अपेक्षित जो संप्रेषण विकास है ये पाएंगे। अब फिर वही बात कि बच्चों में संप्रेषण की आवश्यकता क्यों, तो इसके लिए हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। अगर बच्चे माँ बाप से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हैं, अगर बच्चे अपनी प्रॉब्लम टीचर से शेयर कर पा रहे हैं, सपोर्ट मूल जो बात है मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है, हालांकि मैं ड्रामा को व्यक्तित्व विकास से भी जोड़ता हूँ, मैं ड्रामा को दूसरी चीज़ों से भी जोड़ता हूँ, बच्चे की वैल्यूज से जोड़ता हूँ, बच्चे में जो समाज के प्रति जो एक समझ डेवलप हो रही है थ्रू द ड्रामा, मैं उसको भी देखता हूँ। मैं ऐसा भी देखता हूँ कि बच्चा जब किसी स्क्रिप्ट को याद करता है तो उसे याद करने की क्षमताएं बढ़ती है और उसका जो इफेक्ट है वो उसकी मार्कशीट्स में दिखता है आगे जाकर। और मैं ये जो भी बातें आपसे कर रहा हूँ और आज अपन जितनी भी बातें करेंगे ये सब मेरे अनुभव पे आधारित है, ये कहीं से कहीं तक हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि जिसमें हम कहीं पढ़ी हुई बातें, सैद्धांतिक बातें, सो कॉल्ड सैद्धांतिक बातें जिनको कि करें इस तरह से ना। मैं ये चाहता हूँ कि हम वो बात करें जो मैंने अनुभव करी, जो मेरे लिए सत्य है, हो सकता है वो आपके लिए सत्य नहीं हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चों की संप्रेषण संबंधी समस्याएं क्या क्या है। नॉर्मली जो जिन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल कम होती है
उनके फ्रेंड्स कम होते हैं, वो बच्चे दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। जब भी उन्हें कई स्टेज पे बुलाते हैं, इवन क्लासरूम्स में मैंने देखा है, बच्चों को जब हम कहते हैं कि आइए और फ्रंट पे आकर के अपनी क्लास के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपना इंटरव्यू दीजिए, वो बच्चे हिचकिचाते हैं। क्यों? इवन वो बच्चे कक्षा कक्ष में जो उनके लिए जरूरी प्रश्न है टीचर को पूछने के लिए, वो भी नहीं पूछते। यदि बच्चे अपने क्वेश्चन को नहीं पूछते हैं टीचर से, तो ये क्या है? बच्चे का कमजोर कम्युनिकेशन है जिस पर हमें काम करना है। आप देखिए, बच्चे स्कूलों में कक्षाओं और शिक्षकों के प्रति भी बहुत ही नकारात्मक भाव रखते हैं, उनका उपलब्धि स्तर कम हो जाता है, उनको मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछते, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। साथ ही उन बच्चों में ये देखा जाता है कि कुछ सारे शैक्षणिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, वो खाली समय में स्वयं को अलग अलग रखते हैं, वो या तो तंग करते हैं या फिर खुद तंग होने लग जाते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक विकृति उनके अंदर बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि हम आज इस विषय पर बात कर पा रहे हैं, और ड्रामा किस तरह से काम करेगा हम इस पर भी बात कर रहे हैं। बच्चों के संप्रेषण कौशल में नाटक का संबंध क्या है? अगर कोई बच्चा ड्रामा में जाता है, अगर कोई बच्चा मेरी तरफ अपना लाइव है, अगर बच्चों के संप्रेषण कौशल में नाटक किस तरह से काम करता है, इस पर हम आते हैं। अब ये प्रश्न है कि कम्युनिकेशन और ड्रामा का इंटर रिलेशन क्या है। डॉक्टर अगम दयाल अपनी पुस्तक कम्युनिकेशन आर्ट एंड बॉडी लैंग्वेज में संप्रेषण के तीन मुख्य प्रकार बताते हैं। वो बताते हैं कि एक लिखित, मौखिक और हाव, जिसमें कि दैहिक भाषा भी सम्मिलित है, का वर्णन करते हैं। अपनी पुस्तक में इन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त होने वाली विविध तकनीकों और प्रक्रियाओं का रंगमंच विवेचन प्रस्तुत करते हैं, जो कि ये हैं, ये रंगमंच के मूल तत्व है, रंगमंच के मूल तत्वों की ओर इंगित करते हैं। हम रंगमंच में भी बच्चों के हाव भाव, उनकी दैहिक भाषा, उनके मौखिक, उनके लिखित, उनके पढ़ने में, उनके शब्दों के उच्चारण में, उनके लय में, उनके स्वरों में, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं, और बच्चे खुद ही उन सब चीज़ों को इम्प्रूव भी करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टूल है, जहाँ पर कि बच्चे अभ्यास कर करके एक दूसरे को ठीक करते हैं और खुद ही ठीक होने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ड्रामा में टीचर टीचर नहीं होता, वो एक फ्रेंड होता है, एक दोस्त होता है, जो कि सहयोग प्रदान करता है, बच्चों को बीच बीच में गाइड करता है, और उन्हीं के द्वारा जो डेवलप एक चीज़ होती है उसको हम स्टेज पर लाने की कोशिश करते हैं। एनी थिंग, बच्चों के संपूर्ण विकास के संदर्भ में प्रभावी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावी संप्रेषण हेतु महत्वपूर्ण माने गए विभिन्न बिंदुओं का नाटकीय प्रस्तुति में प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, और यही कारण है कि नाटक दर्शकों के समक्ष अपना मूल प्रयोजन पूरी तरह से संप्रेषित कर पाता है। नाटक में बच्चा अपना वो भाव, जिनको कि पूरी तरह से ऑडियंस तक पहुंचाना है, उसको पहुंचाने का एक प्रयास करता है, जिसमें कि बॉडी लैंग्वेज, उनका स्वर, उनकी वॉइस क्वालिटी वगैरह, इन सब पे इनडायरेक्टली काम होता है। और उन सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि यहाँ पर इस प्रोसेस में बच्चे अपने मन की गांठों को खोलते हैं, वो दूसरे से, एक दूसरे से बातें करते हैं,
अपनी बातों को साझा करते हैं और वो सब बातें करते हैं जिनको करके वो हल्का फील कर सकते हैं। और मैं इसीलिए गर्व फील करता हूँ कि बहुत से बच्चे एक साथ जब अपनी अपने प्रोसेस को करते हैं, हम चीज़ों को डेवलप करते हैं, उस दरमियान बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि नाटक जो है वो बच्चों के संप्रेषणात्मक त्रुटियों को स्वयं ही सुधारने में मदद करता है। अब ये जो फोटो है इसमें आप देखिए जो बच्चा है ये स्टेज पर ऐसा करने से पहले कितनी बार अभ्यास करता है। और मैं बच्चों के साथ 24 घंटे रहता हूँ, मैंने ऐसा देखा है। मैं इस बात के लिए 100% ऑथेंटिक रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी प्रोसेस को करते हैं, जब हम ड्रामा के एक दिन की कार्यशाला जब हम करते हैं और कोई बच्चा कार्यशाला में ये करता है कि हाँ मैं हूँ राजा राम, जब वो ऐसा करता है अपने साथ के बच्चों के साथ, और उसके बाद जब वो बच्चा अपने निजी जीवन में जाता है और उसके अंदर वो गर्व होता है, वो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को फील करता है और वो कॉन्फिडेंस ही उसके संप्रेषण को ठीक करता है। एनीवे हम इस पर बात करेंगे कि कैसे ड्रामा कैसे बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। सबसे पहली बात कि यहां पर बच्चे खेलते हैं, खुदते हैं, मजे करते हैं, मनोरंजन करते हैं, नो टेंशन, किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ बच्चे अपने आप खोल पाते हैं। ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि जहाँ पर बच्चे फिंगर ऑन द लिप और ऐसे बैठे कि जहाँ पर बात बात को डांटा जाए। यहाँ पर तो खेल कूद मनोरंजन ही एक मेन टूल माना जाता है। बच्चा आंगिक संचालन करता है, वो अपने उन सभी अंगों को खोलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बच्चों के अंग संचालन पर बड़ा अच्छा काम है। ये अंग संचालन की अपॉर्चुनिटी नाटक है। जब बच्चा अपने बोलने के साथ साथ अपने शारीरिक क्रियाएं करता है, अपने हाव भाव दिखाता है, नो डाउट उससे संप्रेषण कौशल होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मानसिक और शारीरिक तालमेल, बच्चे जब नाटकीय खेल खेलते हैं और ड्रामेटिक ऐसे कुछ गेम्स होते हैं जो हम खिलाते हैं, उन गेम्स को खेलते समय बच्चे काफी सारी चीजें ऐसी करते हैं कि जिसमें वो अपनी बॉडी का तालमेल बिठाते हैं अपने माइंड के साथ, क्योंकि उसके साथ ही साथ उनको बार बार ऐसे ऐसे टास्क मिलते हैं, बार बार चीजें मिल जाती हैं, तो वो बिल्कुल सजग रहते हैं। एक सजग बच्चा अपने शारीरिक तालमेल के साथ यदि बात करे, यदि कहे, अपनी बातों को रखे, अपनी बात को स्ट्रांगली कह पाए, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल किस विधा में बढ़ सकता है। नेक्स्ट समूह के साथ संबंध, ड्रामा में जो ड्रामा बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक ड्रामा से पहले भी कुछ चीज़ें होती है, ड्रामा डेवलप किया जाता है, उस डेवलपमेंट के दौरान बच्चे समूह के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सामंजस्य बिठाते हैं दूसरों के साथ, सेक्रीफाइस करते हैं, रोल सेक्रीफाइस करते हैं। वो जब ऐसा करते हैं तो अपनी बातों को रख पाते हैं, वो दूसरों को रखते हैं अपनी बात कि यार इसमें ये है उसमें वो है, सर मैं ये वाला रोल तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, सर इसमें तो ये हो गया, सर इस काम को तो ऐसे भी किया जा सकता है। उनका लाइक दिमाग जो है वो खुलने लगता है। जब बच्चे का दिमाग खुलता है तो वो अटेंटिव होता है, सजग रहता है, और अपने ग्रुप के साथ समूह के साथ अगर वो अपनी बात को अच्छे से रख पाता है, उनके साथ समन्वय बिठा पा रहा है,
तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। ड्रामा प्रोसेस में हम कहानी का निर्माण सीखते हैं, बच्चे कैसे कहानी को डेवलप कर जाते हैं, आपको बिलीव भी नहीं करेंगे, उनकी कल्पना शक्तियाँ किस तरह से बढ़ जाती है, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से उनका थॉट प्रोसेस होता है। ये देखिए, इसमें तीन फोटो है, पहला फोटो जिसमें बच्चे बातें कर रहे हैं, अपनी घटनाओं को शेयर कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी बातों से ही कोई कहानी धीरे धीरे हम बुनते जाते हैं, किस प्रकार से कहानी डेवलप होती जाती है, फिर उसको प्रयास करते हैं कि कैसे ना कैसे ये स्टेज पे किस तरह से आएगी। वहीं से हम डायलॉग को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वो डायलॉग जो उस बच्चे ने बोले हैं, जो उसके खुद के हैं, जो मौलिक हैं मिहाई के, उन्हीं डायलॉग्स को हम कोशिश करें कि हम अपने नाटक में रख लें और उसी कहानी को अगर बच्चे आगे रख सके और खेल जाए। हाँ, सोचिए कि किन्हीं बच्चों को एक ऐसी आज़ादी मिले जहाँ वो जो सोच रहे हैं उसको कर पा रहे हैं। वो बच्चे जो जिनके दिमाग में कुछ बात चल रही है, कुछ थॉट प्रोसेस है, वो जो कुछ करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर पा रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। मेन बात, बच्चे अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। मैं इस वाले प्रोसेस की बात करूँ, ये मुंशी प्रेमचंद जी, कल ही उनका यादगार दिन भी था। मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रोजेक्ट किया था हमने, जिसमें प्रेमचंद जी की जो पाठ्यक्रम में कहानियां हैं उन पे हमने बच्चों की समझ को डेवलप करने की कोशिश की। तो सेवन में एक कहानी थी नादान दोस्त, ऐसे ही नाइन्थ में कहानी थी दो बैलों की कहानी, और फिर इलेवेंथ में कहानी थी नमक का दल। इन कहानियों पे हमने बातचीत करी और ये सब डेवलप करने के बाद अपने बच्चों की समझ बढ़ाने के लिहाज से जब हमने चीज़ें करी, तो फिर फाइनली हमने उसका एक प्रोडक्शन रखा है, इनफॉर्मल प्रोडक्शन, जिसमें हमने बाहर गेस्ट भी बुलाए। तो आप बिलीव करेंगे कि बच्चों ने उन कहानियों के ऐसे ऐसे एंगल रखे जो आई डोंट थिंक कि टीचर भी कभी सोच पाते हैं या कभी उन बातों को कक्षा कक्ष में रख पाते हैं। रखते होंगे लेकिन बच्चे अपनी नज़र से जब बातों को देखते हैं, आप देखिए कि क्लास सेवन का की घटना है नमक में, ये जो कहानी थी नादान दोस्त, उसमें बड़ी सिंपल कहानी लिखी प्रेमचंद जी ने कि कबूतर का बच्चा होता है, वो बच्चे गिरा देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो बच्चों ने अपने ढंग से अपनी जो मेमोरीज में जो खुद की जीवन की घटनाएं जो है उनसे जोड़ते हुए किस तरह से अपनी बातों को रखा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम नाटक बच्चों को अपनी बात रखने का मौका देता है तो ये निश्चित रूप से बच्चों की कम्युनिकेशन को एनहांस करने में एक मेन टूल के रूप में काम करता है। मैं समझता हूँ मेरे पास शायद सिर्फ 5 से 7 मिनट और हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करना होगा और मैं आपके सामने जल्दी जल्दी इन बातों को रखूँगा कि बच्चे प्रॉपर्टी को निर्माण करना सीखते हैं। आप फोटो देखिएगा कि टीचर्स उन बच्चों को सिखाते हैं कि आप इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस तरह से बनाएंगे, और एक बार सीखने के बाद फिर बच्चे अपनी चीज़ों को खुद बनाते हैं, उनकी कल्पना शक्ति इस तरह से बढ़ती है कि वो किन्हीं चीज़ों को किसी और तरीके से देखते हैं, कि प्रॉपर्टीज को खुद ही निर्माण करना सीख जाते हैं। तो वो नॉट ओनली खुद के विचारों से, खुद के हाव भाव से, अपनी प्रॉपर्टी से भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बच्चे सीखते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको हम क्रिएटिव तरीके से कैसे उपयोग करें। जो भी हमारे पास साधन हैं उन साधनों को बेस्ट और बेस्ट तरीके से उपयोग करते हुए अपने नाटक में उसका यूज करें। यूज भी बहुत ही इस तरह से करें कि ऑडियंस की बात को माने। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक लकड़ी का, गत्ते का बनाया हुआ एक तलवार है, उस तलवार को जब वो यूज करें तो उस तरह से यूज हो कि लोग सोचे कि हाँ भाई, तो वाकई में ओरिजिनल तलवार है।
यानी कि जो उनके पास उपलब्ध सामान है उन्हीं को वो बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। एक स्टिल इमेज हमारे इसमें नाटक में एक टेक्निक होती है जिसमें बच्चों को ये बनाया जाता है कि ये टास्क दिया जाता है कि आप कुछ बनिए। जैसे कि ये वाला जो फोटो है इसमें बच्चे एक दरवाजा बनाए, तो जब हम कहते हैं कि भाई दरवाजा तो बच्चे फटाक से दरवाजा बनते हैं। जब हम कहते हैं खिड़कियां, जब हम कहते हैं कि पेड़ तो वो पेड़ की तरह बनाते हैं। अब यहां पर हमें समझना ये है कि बच्चे उन मूर्त चीजों को, अमूर्त चीजों को, कुर्सी बनते हैं, टेबल बनते हैं, उन अमूर्त चीजों को भी अपनी बॉडी से बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो वो खुद हैं वो तो अपने आप को एक्सप्रेस करते ही हैं, वो साथ ही ये भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक टूल की तरह हम इस चीज़ का प्रोसेस में यूज कर लेते हैं कि बच्चा अपने आप को कोई और तरीके से भी एक्सप्रेस कर पाए। मोल जो मेन है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज कि बच्चे संवेदनशीलता की तो और एक कदम रखते हैं, वो चीज़ों को लेके, अपने आसपास के माहौल को लेके, समाज को लेके संवेदनशील हो जाते हैं, नए नए अनुभवों से गुजरते हैं, रचनात्मक ध्वनियाँ वो खुद क्रिएट करते हैं। अभी समय कम है वरना मैं आपको कुछ ऐसे डांस दिखा सकता था जिसकी जिसका म्यूजिक भी बच्चों ने बनाया, जिसका जो लिरिक्स बच्चों ने खुद बनाए, जिनके लय अलग है, ला 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 ला, बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक बच्चों ने खुद बनाए, उनकी अलग ताल थी, उनकी कुछ ऐसे बच्चों को करने का मौका मिलता है कि अपने आसपास की चीज़ों से वो कुछ ध्वनियाँ निकाले, कुछ चीज़ें करें और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। कैरेक्टर स्विच करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक नाटक है, इस नाटक में इम्प्रोवाइज नाटक है हमारा। इस नाटक की कहानी कुछ इस तरह से है कि जो बच्चे बेटियां होती हैं वही एक समय कुआ बन जाती हैं, वो जो बच्चियां कुआ होती हैं वही एक समय विलेन बन जाती हैं, वो जो विलेन होती है वही एक समय माँ बन जाती है, वो जो माँ होती है वही एक समय बेटी बन जाती है। तो एक माँ की विडंबना क्या होती है, एक बच्चे की विडंबना क्या होती है, एक दूसरे कैरेक्टर की विडंबना क्या होती है, ये सब बातें समझने का जो प्रोसेस है, ये जो चीज़ों को अपने आसपास के समाज को, अपने दायरे को समझने का जो एक जरिया है, ये हमारा नाटक हमें ये स्पेस प्रदान करता है जहाँ पर बच्चे इन सब चीज़ों पर भी अपनी समझ बदल रहे हैं। डायलॉग याद करने की मजेदार प्रक्रिया है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि बच्चे जब डायलॉग याद करते हैं तो वो खुद का डायलॉग याद करे या ना करे, वो अपने साथियों के डायलॉग को जल्दी से याद करते हैं और फिर वो कहता है कि सर ये डायलॉग मुझे याद है, और पता नहीं कब नहीं जल्दी 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 सारे डायलॉग याद कर लेते हैं बच्चे। हमारे नाटक में एक बच्ची थी जिया, जिसने अभी गांधी का बचपन बच्चों की जुबानी करके एक नाटक था, उसमें जिया ने पूरी जो स्क्रिप्ट थी उसको याद कर डाला, पूरी स्क्रिप्ट को। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ बहुत सारी बार कि टीचर्स जब ये कहते हैं कि बच्चे याद नहीं करते, बच्चे ऐसा नहीं करते, मैं हैरान हूँ कि मुझे लगता है बच्चों में स्किल तो है, वो याद तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं देखता हूँ, ये मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ, इतना जल्दी जल्दी बच्चे उन चीज़ों को याद कर लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव, इस फोटो में ये बच्चे किसी राजा की इमेज के साथ हैं। अब इन बच्चों में कहीं ये कि भाई एक राजा जिसका चोगा इतना बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर ये जो मुखौटा इन्होंने ले रखा है वो भी ऐसे है, एक समय के बाद छुपा कर रखा है। तो ये जो भी
इमेज है, कॉन्क्रीट इमेज है, उनको ब्रेक करने का मौका मिलता है। अलग अलग चरित्रों की समझ बच्चों में डेवलप होती है, स्टोरी टेलिंग सीखते हैं, नरेशन करते हैं, वो जो बच्चे खुद को एक्सप्रेस करते हैं वो इस बारे में समझ डेवलप हो जाती है कि हम कब स्टोरी को कहते कहते कैरेक्टर बनाएंगे, कब कैरेक्टर को करते करते फिर स्टोरी बोलने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें, ये बड़ी चीज़ें हैं। बच्चे अपने आदर्श किरदारों को न केवल पढ़ते हैं, उन्हें जीना भी सीखते हैं। और जब बच्चे इन आइडियल्स किरदारों को पढ़ते हैं और कुछ हद तक जीते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद में उनका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, ये सोचना आपका काम है। और ये ड्रामा इनको उपलब्ध कराता है। बच्चे सामाजिक मुद्दों को बहुत ही स्ट्रॉन्गली उठाते हैं। हम, मेरा अनुभव है, नशा मुक्ति पे हमने काम किया, हमने भ्रूण हत्या पे काम किया, हमने झाड़ फूंक पे काम किया, ये सब बातें मैं अपने अनुभव से साझा करता हूँ। और लास्ट में, अंत में, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति, एक कंप्लीट ड्रामा बनने के बाद बच्चे अपने आप को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं, एक नाटक जब पूरी तरह से बन जाता है और ऑडियंस के सामने अपने आप को बच्चे उस बात को रख देते हैं, बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। नाटक दरअसल यहीं से शुरू होता है। नाटक जब खत्म होता है उसके बाद में रियल नाटक बच्चों के जीवन में शुरू होता है। अब वो नाटक होता है उनकी कॉन्फिडेंस का। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये बच्चे वो हैं जो नाटक करने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं चूकते। ये वो बच्चे होते हैं जो मुझे खेल में भी दिखते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जब एंकरिंग करने की बात आती है तब भी सबसे आगे होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो हर जगह खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। समय की अपनी एक सीमा है और मैं समय से पार नहीं जाना चाहता। हम आपके बहुत ही वैल्यूएबल टाइम को समझते हैं और मैं सोचता हूँ कि ये जितनी भी बातें मैं कर पाया आपके साथ, आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। और मैं आप लोगों से तहे दिल से इस बात की गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को ड्रामा के बारे में थोड़ा सा बताएं, उनको जुड़ने का मौका दें। मैं अपने टीचर्स जो मित्र हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ड्रामा को क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उस पर थोड़ा सोचें, विचार करें, क्रिएटिव तरीके अपनाएं। और हम बच्चों के एक उज्जवल भविष्य की ओर दो कदम चल पाएं। आपका बहुत बहुत आभार, मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।